सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया था, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है, तिब्बत के शाक्य मोनेस्ट्री में 84,000 किताबों का संग्रह मौजूद है और अभी तक केवल 5% किताबें ही ट्रांसलेट हो पाई है। इस लाइब्रेरी को 2003 में खोजा गया था, जो शाक्य मठ के 60 मीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची दीवार में छिपा हुआ था। तिब्बती भाषा के विद्वान दास शरद चंद्र लिखते हैं, यहाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई कई पुस्तकें संरक्षित है। किताबों के पृष्ठ 6 फीट लंबे और 18 इंच चौड़े हैं। ये किताबें लोहे में बंधी है और पहले 4 खंडों में 1000 बौद्धों के चित्र हैं।